नमस्कार, सत श्री अकाल और जय माता की। तो फिर से स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं खन्ना के पास से, जिमीदारा ढाबा से। आज जा रहे हैं हम फरीदाबाद और अपनी गाड़ियां हैं अभी साथ चवन वाली, सरपंच वाली और अपनी बासठ छत्ती। तो आज का हमारा सफ़र है फरीदाबाद का। तो अभी हम रुके हैं यहाँ जिमीदारा ढाबा पे। ये है जिमीदारा ढाबा, ट्रक ड्राइवरों के लिए भी यहाँ पे सारी सुविधा है और कारें वगैरह भी रुकती हैं, एसी हाल वगैरह। ये देखो स्कूटी पे अंकल आ जाते हैं यहाँ पे साबुन वगैरह बेचने के लिए। और ये है ढाबा, ये है नहाने धोने का इधर सिस्टम। और ये है गाड़ी की पार्किंग, 20 रुपये लेते हैं। रात को 4 बजे पहुँच गए थे, सुबह हम सो गए थे, तो अभी सुबह के बजे हैं 10। तो यहाँ पे लगा दी है गाड़ी, ये है चमन वाली गाड़ी और वो है हाईवे। तो ये है ढाबे का व्यू इस तरह से कुछ। और ये लगी है अपनी गाड़ी यहाँ पे 65 छत्ती। आहो, आगे है अपनी गाड़ी, ये 62 छत्ती। और उसके आगे लगी है सरपंच की। तो यहाँ कारें वगैरह भी रुकी हैं, तो नहा धो के अभी ये देखिए फूल। तो ये है जिमीदारा ढाबा, यहाँ पे रुके हैं। तो ये है NH। तो बाकी धो रहे हैं मुँह माँ, नहा रहे हैं। देखो कोई ड्राइवर जाला जुला बांध रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको अपने वाले बंदे। श्रीनगर से आई हैं सेब लोड करके, कुछ जाला जूला तरपालें कैसी लग रही हैं गाड़ी की बांधी हुई, कमेंट में ज़रूर बताना। ये है अपनी 62 छत्ती, पूरे 2 महीने हो गए गाड़ी को इधर ही चलते। श्रीनगर टू जयपुर राजस्थान, इधर झुंझुनू साइड। तो ये बशीरे ने आगे जाली पे लगा दिए थे ये डिजाइन जैसे, ताकि हवा न जाए अंदर। तो ये है महबूब वाली गाड़ी। तो पीछे है चमन वाली गाड़ी, यहाँ से नज़र नहीं आ रही ये पीछे। तो सुनील सोया है, जगाते हैं इसको और लोग खा रहे हैं खाना वाना। तो ये इस तरह से है लोकेशन कुछ इस ढाबे से। और यहाँ से आगे चले जाएंगे और चढ़ जाएंगे, ये है दिल्ली लुधियाना नेशनल हाईवे, इसी पे हम जाएंगे आगे। तो चलो जगाते हैं सुनील को। ये देखिए शिकारी कुत्ते कैंपर में जा रहे हैं घूमने, ये इन्हीं के हैं ढाबे वालों के। तो ये अपने सोनू उस्ताद जी मोबाइल देख रहे हैं यहाँ पे। और ये बाकी कोई कपड़े धो रहा है, नहा रहा है चमन, सरपंच धो रहा है कपड़े। और ये बिट्टू और दीपू भी। तो ये है अपनी ड्राइवर लाइफ, देखो यहाँ पे। हाँ चमन, कैसा स्वाद आ रहा है? ये देखिए नहा रहे हैं और सरपंच धो रहा है कपड़े। घर में तो बीबी को आदेश देते हैं, याद सता दे मैडम जी, याद सता दे मैडम जी, कैसे दो दो के दिन की कपड़े या खुद धोने पड़ रहे हैं ना। घर में तो सीधे गुड़ अच्छा धो के लाओ, जूते भी धो के लाओ, प्रेस कर दे, प्रेस कर दे, ये नहीं डालने दूसरे डालने। और यहाँ किसको बोल रहा है? और देखिए दीपू राज रघुवंशी ब्रश कर रहा है। तूने नहीं धोए कपड़े दीपू? क्यों ये अभी। और ये हमारे सोनू उस्ताद जी, देखिए नीचे क्या देख रहे हैं सही आप? बस टाइम पास कर रहे हैं। तो चले हैं सभी, रुके हैं यहाँ पे, अब खाना वाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से आगे। तो चलो जो भी रहेगा रास्ते का आपको दिखाएंगे। मुझे लाड़ी की याद हो रही फिर यार लाड़ी की याद हो गई इसको लाड़ी हाले कुत्ते हाले, रुक 2000 दिन और
टिक्की नहीं आवा दी याद चमन टिक्की नहीं आवा दी लाड़ी हरी याद क्यों सरपंच आवा दी चलो फिर जो भी रहेगा रास्ते का आगे दिखाएंगे आपको। ये हमारी जर्नी स्टार्ट, तो यहाँ से चढ़ेंगे हम NH पे, NH 44 दिल्ली पानीपत पीपड़ी शाहबाद खन्ना गोबिंदगढ़। यहाँ से अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई फरीदाबाद की ओर। ये है अपना क्या बोलते हैं दिल्ली पठानकोट NH 44। इसी रास्ते से जाते हैं, आगे आएगा हमें मिलेगा खन्ना गोविंदगढ़ सरहंद राजपुरा अम्बाला होके सीधा रिंग रोड होते हुए फरीदाबाद। तो ये कुछ इस तरह का है व्यू रोड का। आज बहुत ही बढ़िया मौसम है, इस ढाबे पे लगानी चाहिए थी रात को हमें गाड़ी, है ना। वो है देख ढाबा बहुत बढ़िया। अभी हमने चाय नहीं पी है, कहीं चाय पीने के लिए लगाएंगे साइड में गाड़ी। दोनों तो मिलते हैं वहीं पे रेडी पे चल के, क्योंकि होटल में नहीं पियेंगे, होटल पे चाय नहीं बनाते हैं ढंग की। खन्ना से 20 किलोमीटर पीछे रुके थे हम जिमदारा ढाबा, लेकिन बहुत ही बकवास ढाबा है। चाय उन्होंने बड़ा सा एक देग उबाल के रखा होता है और जैसे मांगो वही चाय दे देते हैं, ना उसमें रंग ना स्वाद। 15 रुपए का कप। कोई भी ड्राइवर भाई अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा और इस रोड पे पक्का चलता होगा तो उस ढाबे पर कभी ना रुके। वहाँ पर लिखा है जिमदारा ढाबा। मुल्तानी है आगे, मुल्तानी में रुके, वहाँ पे सारी फैसिलिटियाँ मिलती हैं। चलो देखते हैं क्या बनता है आगे का। चलो फिर मिलते हैं आपको आगे चलते हैं। अभी हम खाना खा रहे हैं बराबर है भाई। तो अभी हम जो ले रहे हैं सरसों का साग, मक्की की रोटी, ब्रेडनेस पूरी और ये देखो वाह इतनी अच्छी है ना, साग सब्जी राजमा सब मिलेगा इधर। एड्रेस बता दे भी। ये है सरहंद से पीछे है ना 5 किलोमीटर, सड़क के साथ ही नजर आ जाएगा मेन रोड से। प्योर वेजिटेरियन। तो चलो खाते हैं खाना फिर। और जमींदारा होटल पे कभी मत रुके उधर, चोरों का होटल। एक बार फिर बोलेगा जमींदारा होटल पे कभी ना रुके उधर, चोरों का होटल है वो। क्योंकि चवन का ले लिया रिमांड उसने। तो चलो फिर मिलते हैं खाना खाने। अभी वहीं पे जहाँ पे खाना वाना खाया, चाय बनाई गाड़ी में, पी रहे हैं चाय। तो ये देखो लाइन हो रही है मीटिंग। वो चमन गया आगे रेडी पे। तो ये होती है एक ड्राइवर लाइफ, ना कोई घर ना ठिकाना, कपड़े खुद साफ करो, रोटी राटी बनाओ और रात दिन चलो फिर भी धक्के खाओ हर जगह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ड्राइवर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कैसे कैसे ड्राइवर रोज़मर्रा की चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाते हैं गाड़ी वाले। चाय बनाई महबूब ने एक नंबर है सरपंच। चाह बहुत बढ़िया बनाई वीर तू। आज रे मारा दूध की कमी सी ना, जे साडा दूध होंदा ना साडे कोला चाह पट कढ देणे ते भरावा। डायलॉग सुना केड़ा चेता हुंदा चाह पींदे टाइम कि जे लाड़ी दी याद होदी यार। मैं तो हमें पूरी हां मैडम यार ना अगला जल्दी जल्दी का भी जाना अगला क्या करना है खुद बनानी पड़ी। अब आ रहा है ना याद याद चाह पीते रोटी बनानी।
तो ये बस बैठे हैं, चाय चूहे पी के चलेंगे थोड़ा आगे। तो चलो देखते हैं क्या बनता है। जिंदगी है ऐसी, क्या करें, काटनी तो पड़ेगी। क्यों सरपंच जी, हमारा काम ही ऐसा है। बढ़िया काम है, एक नंबर। आप सभी के सहयोग से बहुत बढ़िया काम है हमारा, हम संतुष्ट हैं। ये देखो हमारे तू क्या भी होती लाड़ी वाली याद, इसको भांडे साफ करते हुए आ रही है लाड़ी की याद। राजपुरा तो ये लगा दी गाड़ियां यहाँ पे, 62-36 चमन की और महबूब ने लगाई है उधर डाले के अंदर। और ये है डेकोरेशन की दुकान, ये है चमन, ले रहे हैं मैट, लगाएंगे इस गाड़ी में, चमन वाली में। तो ये है राजपुरा, दीपू और बिट्टू है गाड़ी में, उन्होंने ले लिया लीवर कवर, तो वो उसका लगा रहे हैं गाड़ी में। तो हम यहाँ से जाएंगे आगे और यहाँ ये रोड जा रहा है अपने क्या बोलते हैं चंडीगढ़ की ओर, और ये जो ऊपर का हाईवे है ये जाएगा दिल्ली की ओर। तो ये अभी हम खड़े हैं राजपुरा मार्केट में। तो ये कुछ इस तरह का है, यहाँ गाड़ियों का स्टैंड, होटल हाटल हैं, खाना वाना खाने के लिए रुकते हैं और रेस्ट भी करते हैं कई, रात को फिर चलते हैं यहाँ से। तो पूरी नाइट सफ़र करके आते हैं ट्रक वाले, तो यहीं पे रुकते हैं। इसे हम बोल सकते हैं ट्रक अड्डा राजपुरा। ये है दुकान यहाँ पे, वो आ गई सरपंच वाली गाड़ी, इसको भी लगानी है लाइटें वाइटें। 76 तो उसने भी ले आया गाड़ी इधर, तो इसको लगाएगा ये लाइटें, तो फिर चलेंगे यहाँ से आगे। तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को हम राजपुरा में ही एंड करेंगे और नाइट ब्लॉग होगा यहाँ से आगे शुरू। ये भाई साहब हैं, ये हैं जो लोग मतलब दुकानदार हैं, ये गली में है मार्केट। ये था हमारा आज का ब्लॉग, यहाँ तक का। आज का तो नहीं बोल सकते हैं, अब आगे का ब्लॉग आगे करेंगे स्टार्ट, क्योंकि ये ब्लॉग हो जाएगा लंबा। तो अभी हमारी लोकेशन है राजपुरा की, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगला ब्लॉग करेंगे हम गाड़ी से स्टार्ट, आज का रहेगा नाइट ब्लॉग, तो दिखाएंगे फरीदाबाद तक का सफ़र जैसे भी रहेगा, क्योंकि यहाँ से दीपू और बिट्टू अलग साइड चले जाएंगे और महबूब वाली गाड़ी भी इनके साथ ही जाएगी, तो हम जाएंगे अलग। मैं और सुनील जा रहे हैं अभी चमन के साथ। तो चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता की। हमें दीजिए अगले ब्लॉग तक इजाज़त, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे करते हैं इस ब्लॉग को एंड, नमस्कार।